हेलो गाइस, दिस इज मी अमन शर्मा बैक अगेन विद अ न्यू फ्रेश वीडियो ऑफ टेक्निकल भोपाल यूट्यूब चैनल। इन टुडे वीडियो इज ऑल अबाउट नोवा के अंदर अपनी जो है ईएल वायर लग रहा है, देन इसमें एटमॉस्फेयर लाइट लग रही है, मतलब पूरा जो इंटीरियर का काम हो रहा है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से हो रहा है। तो मैं आपको जो गाड़ी दिखाता हूँ किस तरीके का काम हुआ है, एंड इसके अंदर जो है DRL भी लगी है तो वो भी देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है, एंड जो फॉग लैंप लगे हैं इसमें वो भाई देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड के जो अपना पैनल है इसमें जो है अपनी पूरी लाइट लगने वाली है। तो ये जो है अपन पूरा पैनल ओपन करेंगे, जो है ये वुडन वाला जो ट्रीटमेंट वाला एरिया ये पूरा ओपन होगा, देन इसके बाद जो है ये पूरा जो पैनल होता है वो निकलता है, देन इसमें जो है पूरी वायरिंग अपनी जो है डलेगी अंदर से बुलेट वाली, एंड जैसे जैसे काम होता है मैं सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा किस तरीके से होता है। उस साइड में जो है अपना पूरा डोर पैनल ओपन हो चुका है, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बुलेट्स होती हैं ये कुछ इस तरीके से जो है पूरी कसाती हैं। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं बुलेट्स पूरी तरीके से टाइट अप करेंगे भैया, इसको पूरा सेट कर रहे हैं, एंड यहाँ से पूरी जो है वायरिंग गई है अपनी पूरे अंदर तक डैशबोर्ड तक। तो ये जो है भैया फिट कर रहे हैं, एंड यहाँ से जो है अंदर से अपनी जो है ये पूरी ईएल वायर गई है, तो यहाँ से पूरी जो है फिटिंग हुई है, एंड मैं आपको पूरी फिटिंग अब दिखाऊँगा जब पूरा पैनल फिट होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अपनी जो ईएल वायर है वो पूरी लग चुकी है, देख सकते हो आप, एंड जब ये रात के वक्त जलेगी तो देखने में भाई काफ़ी अच्छी लगेगी। एंड यहाँ से जो है ये पूरी अंदर अपन ने जो इसकी लूम को करा है, एंड ये जो है यहाँ से पूरा फिट हो चुका है, देखने में काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है, एंड डैशबोर्ड पे जो है अपना ये पूरा फिटिंग हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अपनी नॉर्मल गाड़ी है, एंड आप जो है DRL का लुक देखो बहुत ही बढ़िया, जो इसके अंदर अपन ने जो है DRL इंस्टॉल करी है। तो लुक्स आप देखो, आप DRL जलाते हैं अपन गाड़ी की, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये DRL का लुक है भाई, काफ़ी बढ़िया लुक गाड़ी को जो है प्रोवाइड करती है, एंड लुक्स आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है पूरा लुक काफ़ी अच्छा आ रहा है, एंड फ्रंट से देखने में तो भाई गजब ही लग रही है गाड़ी। इसी के साथ मैं आपको जो है इंडिकेटर्स भी बताऊंगा किस तरीके से पूरे इंडिकेटर्स वर्क करते हैं गाड़ी के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अपने जो है फ्लोटिंग इंडिकेटर्स हैं, देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, एंड गाड़ी को बड़ा ही प्यारा लुक प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये लुक आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया लग रही है, एंड बहुत ही बढ़िया इसके अंदर जो है आपको पूरा एम्बियंस देखने को मिलेगा। ये चीज़ आप देखो, ये देखो, ये जो है देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है, एंड इसमें जो है आपकी जो है रेड रिंग जो जलता है ना देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, एंड ये आपको जो है 4 प्रोजेक्टर टाइप्स के जो है छोटे वाले वो मिल जाते हैं, एंड नॉर्मल में देखो आप रात के टाइम में इसका लुक काफ़ी अच्छा आता है, एंड देखने में भाई बहुत ही बढ़िया लगती है गाड़ी। तो ये चीज़ है, एंड अब अगर हम अंदर की बात करें तो अंदर में आप यहाँ से लुक देखो, ये चीज़ लगी है इस गाड़ी के अंदर। दिन में तो भाई समझ में नहीं आती, बट नाइट के टाइम में आप ये डोर देखो, डोर आपको अलग ही बताएगा कि क्या चीज़ इसमें लगी है और क्या नेक्स्ट लेवल की चीज़ हुई है। देखो ये पूरा इस लाइन में काफ़ी बढ़िया लगता है, एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग लुक गाड़ी को प्रोवाइड करता है। वहीं पर बैक साइड की बात करें तो बैक साइड में भी यही चीज़ हुई है, एंड लुक्स आप देख सकते हैं ये देखो सेम एज इट इज़, ठीक है, दोनों देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, एंड काफ़ी बढ़िया लुक आ रहा है। एंड इसमें आपको जो है RGB लाइटिंग सेटअप मिलता है, आप अपने मूड के हिसाब से पूरा जो है चेंज कर सकते हैं, एंड ये अपने को जो है एटमॉस्फेयर लाइट भी मिल जाती है, तो एटमॉस्फेयर लाइट को तो आप रेड कर दो अपने हिसाब से, जो है आप पूरा कलर सेटअप कर सकते हैं, एंड देखने में तो भाई ब्लू वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट चीज़ लगती है। इंटीरियर में आप यहाँ पर लुक देख सकते हो, काफ़ी अच्छा लुक इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। ये अपनी जो है पूरी ईएल वायर लग चुकी है, देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है, एंड गाड़ी को एक बढ़िया लुक प्रोवाइड कर रही है। देखो आप दूर से भाई देखने में काफ़ी अच्छा लुक आता है, एंड वहीं पर साइड से बात करें तो साइड में आप देखो ये अपनी चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है, एंड गाड़ी को एक बढ़िया लुक प्रोवाइड करती है, देख सकते हो आप दूर से, एंड नाइट के टाइम में तो एक बढ़िया लुक इसके अंदर मिलता ही है। एक चीज़ मैं आपको ज़रूर से बताना चाहूँगा, जैसे आप ड्राइव कर रहे हैं तो ये जो है इतनी आंखों में नहीं छुपती है, ये जो आपको ब्राइटनेस दिख रही है ना ये कैमरे के एंगल से दिख रही है, एंड इतनी जो है पूरी एम्बियंट फॉर्म में रहती है ये बुलेट्स में। तो ये चीज़ जो है ज़्यादा आपको जो है आँखों को मतलब परेशान नहीं करती है, एंड नीचे में आप देखो एटमॉस्फेयर लाइट का लुक तो काफ़ी अच्छा आ ही रहा है, एंड बैक में भी आप देख सकते हैं ये चीज़ लगी हुई है जो कि देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है, एंड पीछे में भी जो अपनी एटमॉस्फेयर लाइट अभी जो है लग चुकी है। और अब भाई ये चीज़ देखो आप, इसमें जो है सेटअप मैं आपको दिखाता हूँ, ये अपना जो है मोबाइल है, तो यहाँ पर देखो मैं कलर चेंज करूँगा और आपको पता चलेगा। देखो ये चीज़ भाई काफ़ी अच्छी लगती है, एंड अब आपको मैं धीरे धीरे बताता हूँ। ये अपना जो है ब्लू कलर है, ये अपना जो है थोड़ा सा पर्पल हुआ है, एंड ये देखो आप ये रेड कलर देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, ये थोड़ा सा जो है आपका एम्बर कलर में हो गया है, ये आपका जो है ग्रीन कलर है, एंड ऐसे करके जो है आपको बहुत सारे कलर मिलते हैं, एंड इसे जो है आप साउंड पे भी चला सकते हो। जैसे कि मैं देखो अब आप अपनी जो है ऑडियो में मैं इसको सेट कर देता हूँ, तो देखो हेलो 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 हेलो, तो ये चीज़ें देखो भाई कितना अच्छा लुक गाड़ी के अंदर आपको देखने को मिलता है, एंड म्यूज़िक पे भी आप इसको सेट कर सकते हैं। तो अपने डिपेंड जो आपको चीज़ अच्छी लगे वो चीज़ आप कर सकते हैं, एंड देखने में भाई काफ़ी बढ़िया लुक इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा।
तो इसी के साथ दोस्तों आई होप आपको वीडियो में एंड टू एंड बढ़िया वाली इन्फॉर्मेशन मेरी ओर से मिली होगी। इसी के साथ दोस्तों आपको वीडियो करना है लाइक, वीडियो करना है शेयर, कमेंट करना। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर से फॉलो कर लीजिएगा, टेक्निकल भोपाल ऑफिशियल। यूजर नेम आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा एंड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी के साथ दोस्तों मिलेंगे और न्यू फ्रेश वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।